हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक सोर्सिंग लाइव। अगर आपको इस कोरोना वायरस के काल में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और आप घर में इंटरनेट लगवाना चाहते हैं और नए राउटर्स लेने के लिए कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसे कौन से वो राउटर हैं जो आपको अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड दे सकते हैं और बहुत ही कम बजट के अंदर, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज बेस्ट 3 राउटर्स अंडर 6000 और मोस्ट ऑफ द राउटर्स आर फ्रॉम द टॉप ब्रांड्स। सभी राउटर्स में आपको लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा। सारे राउटर्स 300 Mbps तक की स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर सारे राउटर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आइए जानते हैं इन राउटर्स के बेस्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आने वाली वीडियो के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए बात करते हैं, हमारी लिस्ट में सबसे पहला राउटर कौन सा है। तो वो राउटर है TP-Link TLMR 6400। ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर सिर्फ आप इंटरनेट ब्राउजिंग या आपको रेगुलर यूज़ के लिए इंटरनेट स्पीड चाहिए होती है। ये राउटर आपको एक क्लासिक सिंपल लुक के साथ मिल जाएगा, जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्पीड प्रोवाइड करेगा तकरीबन 300 Mbps तक की। इसमें आपको 3 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये ड्यूअल एंटीना सेटअप के साथ आता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात हमने देखी है वो है इसके अंदर दिया गया सिम स्लॉट, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन केस आपके एरिया में ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं है। आप इसके अंदर 4G सिम डालकर भी 4G नेटवर्क के साथ एक अच्छा खासा इंटरनेट कवरेज अपने घर में या अपने ऑफिस में बना सकते हैं बिना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाए। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे क्लिक करके बाकी राउटर्स के साथ कंपेयर करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले राउटर की तरफ, जो हमारी लिस्ट में ऐड हुआ है वो है TP-Link Archer C6 Wireless Router। ये आपको 4 एक्सटर्नल एंटीना सेटअप के साथ मिलता है और इसमें आपको एक स्टेबल एंड ऑप्टिमम कवरेज के लिए आपको 4 एंटीनास दिए गए हैं। वो 4 एंटीनास आपको एक बहुत अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये राउटर ड्यूअल बैंड्स के साथ मिल जाता है बहुत ही बजटरी प्राइस में। जो इसमें पहला बैंड दिया गया है वो है 2.4 GHz, जिसको आप 2G भी कह सकते हैं, जिसमें आपको 300 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और जो सेकंड बैंड इसके अंदर दिया गया है वो है 5 GHz बैंड। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, जो 5 GHz बैंड है वो फाइबर केबल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये फाइबर केबल के साथ राउटर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक अच्छी खासी स्पीड देगा। उसमें आपको 860 Mbps तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। सेकंड बैंड उन लोगों के लिए है जो जनरली गेमिंग करते हैं प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स पे। आपको इसके अंदर लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इस राउटर में आपको 4 लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लैन से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या PC से यूज़ करते हैं तो आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। इसके अंदर आपको क्वालकॉम चिप सेट मिल जाएगा, जो एक बेहतरीन इंटरनेट सुविधा का आनंद करवाएगा आपको। इस राउटर से आपको अपने घर में वाईफाई की काफ़ी अच्छी कवरेज दिखने को मिल जाएगी। उसका मेन रीज़न है 4 एंटीनास इसके अंदर दिए गए हैं। ये राउटर एक अच्छा
पिक है। इस राउटर का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले बेस्ट राउटर के फीचर्स एंड बेनिफिट्स की। अगला राउटर है D-Link का DIR825 ड्यूअल बैंड राउटर। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। D-Link कंपनी का राउटर है। ये राउटर आपको तकरीबन 2300 की रेंज के अंदर Amazon पर आसानी से मिल जाएगा। इवनली यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर बेस्ट बाइंग लिंक। आई इस राउटर के कुछ फीचर्स देखते हैं और ये देखते हैं ये आपको बाय करना चाहिए या नहीं। इसके अंदर आपको 4 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे जो आपको एक वाइडर इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड देखने को मिल जाएगी। ये राउटर भी ड्यूअल बैंड के साथ आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। इस तरह के राउटर्स आपको बहुत हाई स्पीड इंटरनेट देते हैं। तो अगर आप राउटर अपने ऑफिस के लिए देख रहे हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इस राउटर पे आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। ये आपको राउटर एक काफ़ी अच्छा लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस का लुफ्त दे सकता है, बिकॉज इसके अंदर आपको ड्यूअल बैंड पोर्ट मिल जाता है। इस राउटर पर आप साइमल्टेनियसली 20 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेकरेज प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप इसे अपने घर में भी कन्फिगर करेंगे तो भी ये राउटर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड एंड कनेक्टिविटी देगा, जो नॉर्मल स्ट्रीमिंग एंड ब्राउजिंग राउटर से ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, ये D-Link का राउटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इस राउटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस राउटर को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे अन्य राउटर के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी राउटर पसंद आया है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी सवाल और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनको राउटर लेने में कुछ कन्फ्यूज़न है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। Thank you.